हेलो प्यारे बच्चों, चलिए जेसीईआरटी क्वेश्चन बैंक सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के 10 क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो कहता है प्लॉट शोन बिलो बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम टी, विच ऑफ द गिवन ऑर्डर इज शोन बाय द ग्राफ। ये जो दिया गया ग्राफ है किस अभिक्रिया कोटि को प्रदर्शित करता है, ठीक है? ये कॉन्सेंट्रेशन है ए माइनस एक्स और ये टाइम टी के बीच ग्राफ दिया गया है। तो ज़रा आपको जो एग्ज़ाम में अगर अगर ज़्यादा अगर देगा तो चांसेस बनता है कि फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर, यही दो ऑर्डर में से आपको गिरेगा। तो जो ज़रा देखें, अगर आप याद करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट के एक्सप्रेशन को, तो उसमें लॉग वगैरह का टर्म आता है, जबकि यहाँ पे लॉग वगैरह का टर्म नहीं है इस कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक? तो हम जो सीधा जो है सो फर्स्ट के बाद जीरो ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का जो लास्ट एक्सप्रेशन होता है उसको लिखते हैं, जो कुछ इस प्रकार होता है के बराबर आर जीरो माइनस आर बाई टी, ठीक? आर जीरो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टाइम टाइम टी बराबर जीरो पे, और आर टाइम टी पर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो आर। ये जो ए माइनस एक्स है वही यहाँ पे आर है, ठीक? टाइम टी पे हमने लिया है आर, और ये जो टाइम टी पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ए माइनस एक्स वही है, एक्चुअली यही है आपका आर है, ठीक? तो आर और टी के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है। जरा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, के टी इक्वल टू हो जाएगा आर जीरो माइनस आर हो जाएगा, ठीक? अब हम क्या करें, चूँकि हमको टी और आर के बीच ग्राफ प्लॉट करना है तो एक काम करते हैं, हम आर को इधर ले आते हैं। आर को जब इधर ले आएंगे तो के टी इधर आएगा, तो हो जाएगा माइनस के टी और ये हो जाएगा प्लस आर जीरो। अब जरा इसको देखें, अगर हम इस इक्वेशन में आर एक वेरिएबल जो टाइम के साथ जो चेंज करने वाला टर्म है, वो एक आर है कॉन्सेंट्रेशन और वो टाइम है, तो दो चीज़ वेरिएबल है यहाँ पे। अगर इसको वेरिएबल वाई माने, है ना, और इसको एक्स माने, तो यहाँ पे ये एक लीनियर इक्वेशन पे आ जाता है ये। और ये जो आर जीरो, ये तो टाइम टी बराबर जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होगा, इसको कॉन्सेंट कॉन्स्टेंट ये सी है। तो ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन पे फिट बैठ रहा है, ठीक? जहाँ पे मेरा वाई की जगह कौन है, आर है, और एक्स की जगह कौन है, टी है, ठीक? तो एक ग्राफ मिलेगा जिसका जिस ग्राफ का कुछ ना कुछ स्लोप होगा, तो उस स्लोप यहाँ पे जो एम है यही है एम स्लोप ऑफ द ग्राफ, जो कि एन बराबर यहाँ पे क्या है, माइनस के, निगेटिव स्लोप है, तो स्लोप बराबर यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस के। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है, जो एकदम एक्जैक्ट मैच कर रहा है इससे, जहाँ पे स्लोप माइनस के आ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधा जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेडियो सक्रिय क्षय एक उदाहरण है किस, जो यूरेनियम वगैरह है, थोरियम वगैरह है, चाहे जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो टाइम के साथ डिसइंटीग्रेट करता है, उसको वो क्षय करता है, तो वो जो डिसइंटीग्रेशन होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का किस ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, जो रेडियो यूरेनियम वगैरह जो टूटता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू जो है सो टूटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक? और के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, याद होगा, पर सेकेंड इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, पर सेकेंड। अच्छा, मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर आपको सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर का अगर पूछ दे, और सबका तो हो सकता है दिमाग में याद ना रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कोई रिएक्शन लेते हैं जहाँ पर रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, और मान के चलेंगे कि इसका इस रिएक्शन का जो रेट होगा रेट इक्वेशन के अनुसार, रेट इक्वेशन के अनुसार हम लोग लिखेंगे रेट बराबर रेट कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और मान के चलेंगे कि ये जो है सो एन ऑर्डर फॉलो करता है, कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, एन ऑर्डर। अब यहाँ से हम के का यूनिट हमको चाहिए, तो एन ऑर्डर के लिए हम के का यूनिट निकालेंगे, इसलिए के को रखेंगे। तो के को जब रखेंगे तो जो है सो रेट रेट के नीचे में कौन आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बट्टा एन आ जाएगा, ठीक?
अच्छा रेट का जरा हम यूनिट लिखते हैं, रेट यानी दर। अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन हमको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन रेट बराबर होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दर बराबर, अभिक्रिया की दर बराबर होता है इकाई समय में सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बट्टा टाइम टेकन बट्टा टाइम, यही होता है ना रेट बराबर टाइम, कितने टाइम में कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेज आ रहा है रिएक्टेंट का, तो रेट का ये होता है। तो अगर हम इसका रेट का हम यूनिट निकालें तो कॉन्सेंट्रेशन का क्या लेंगे, अगर मोलैरिटी होता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में है तो मोलैरिटी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का यूनिट क्या हो जाता है, मोल पर लीटर होता है। और टाइम जब जो है सो नीचे में टाइम है, अगर उसका सेकेंड लेते हैं तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये पर सेकेंड। तो रेट के बदले में हम यूनिट क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा नीचे में हमारा आर कॉन्सेंट्रेशन है, फिर से कॉन्सेंट्रेशन है, अगर मोलैरिटी में कॉन्सेंट्रेशन है तो क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, और पूरे के पावर में जो है सो एन है, ये एन ऑर्डर का हो गया। इसको ज़रा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा इसको ज़रा ओपन करते हैं, मोल पर पावर एन आएगा, मोल पर पावर एन आएगा, और लीटर पर पावर माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो लीटर पर पावर माइनस एन होगा। ये हो गया किस एन ऑर्डर रिएक्शन का। अच्छा अभी और थोड़ा सा बाकी है, इसको देखिए मोल है, नीचे भी मोल है, तो मोल ऊपर में मोल पर पावर वन है, नीचे पे एन है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एन होगा। ठीक ज़रा ऊपर में देखें, लीटर, लीटर पे पावर माइनस वन है, नीचे में माइनस एन है, माइनस एन जब जाएगा तो हो जाएगा प्लस एन, और ऊपर वाला माइनस वन। ठीक और ये पर सेकेंड, तो ये फाइनल जा करके ये क्या हो गया, ये एन ऑर्डर का, एन ऑर्डर का रेट रेट कांस्टेंट का यूनिट जो है सो हो जाएगा। अब अगर हम जिस भी ऑर्डर का पूछे, अगर उसमें हम एन का वैल्यू डाल देंगे, अगर हमको मान लीजिए यहाँ पे जो है सो फर्स्ट ऑर्डर का पूछ रहा है तो एन का मान जो है सो वन डालेंगे, जीरो ऑर्डर का पूछेगा तो एन का मान जीरो डालेंगे, जिस ऑर्डर का डालेंगे उस ऑर्डर का एन का वैल्यू उतना डालेंगे। ठीक अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे एन फर्स्ट ऑर्डर का पूछ रहा है तो हम यहाँ पे डालेंगे मोल वन माइनस वन लीटर, एन का मान वन माइनस वन पर सेकेंड। ठीक पर सेकेंड, अब वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, तो मोल पर पावर जीरो, लीटर पर पावर जीरो और पर सेकेंड, और मोल पर पावर जीरो और लीटर पर पावर जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, ये टर्म जो है सो जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो फाइनली जो है सो लास्ट में मोल पर पावर जीरो वन, लीटर पर पावर जीरो वन, मतलब ये लास्ट में क्या बच जाएगा, पर सेकेंड। तो इसका सीधा सीधा आंसर हमारा बी है, पर सेकेंड। हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इज अ रिएक्शन ऑफ, ये जो इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस हम कर रहे हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो वो किस ऑर्डर, इसका और किस ऑर्डर का रिएक्शन है ये, तो इसका जो आंसर होगा सीधा सीधा स्वीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है ना, इसका इसको याद रखिएगा, इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस ये वाला फर्स्ट नहीं बल्कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक क्लास में पढ़ाया भी होगा, नोट्स में होगा भी कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, जो स्यूडो है, नाटकीय है, जो है कुछ और दिखाता कुछ और है, इसलिए ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। ये क्वेश्चन है, रेट ऑफ विच रिएक्शन इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, किस प्रकार के अभिक्रिया का दर ताप के साथ बढ़ता है ना। मान लीजिए कि एक रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट है ए और बी, जो कन्वर्ट हो रहा है फाइनली प्रोडक्ट पी में। ठीक तो टेम्परेचर और रेट, टेम्परेचर का रेट के साथ रिएक्शन, याद कीजिए आर्हेनियस इक्वेशन है ना, जो याद कीजिए टेम्परेचर का रिलेशन रेट के साथ, जो क्या कहता है कि सभी अभिक्रिया का दर डबल हो जाता है जब टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाते हैं, किसी भी अभिक्रिया का रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है जब टेम्परेचर डबल हो जाता है ना। तो इस वजह से इसका जो रिएक्शन, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, एक्सो हो चाहे एंडो हो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है सो अभिक्रिया का रेट जो है सो बढ़ेगा। ठीक है ना, तो क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, वो बढ़ेगा, दोनों का आपस में टकराने का संभावना बढ़ेगा, संभावना बढ़ेगा टकराने का तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का पॉसिबिलिटी जल्दी होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है सो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से
टेम्परेचर देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक। अगर 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 हीट की बात करती है ना, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सो में हीट रिलीज होता है, एंडो में हीट एब्जॉर्ब होता है, तो फिर जहाज से वहाँ पे हम टेम्परेचर देखते हैं। और हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है कि लो टेम्परेचर जो है सो फॉलो करता है एक्सो को, हाई टेम्परेचर फॉलो करता है एंडो को, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हर तरह का अभिक्रिया टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसका रेट बढ़ जाता है। क्वेश्चन है, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज, इनमें से किसको बदलने में उत्प्रेरक की भूमिका होती है। चार ऑप्शन है, गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कैटलिस्ट क्या करता है किसी भी रिएक्शन में, कैटलिस्ट क्या करता है भाई? रिएक्शन है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ऊपर में लगा देते हैं कोई कैटलिस्ट लगा देते हैं, तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलाइज करता है। क्या करता है? कैटलाइज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। जरा इसको जरा देखें, जरा मान लीजिए ये यहाँ पे अभी ये रिएक्टेंट है, ठीक। अब ये यहाँ तक जो है सो इसको अभी यहाँ पर रिएक्टेंट है, ठीक। इसका जो एनर्जी है कुछ अभी इतना है, ठीक है ना। अभी ये इसकी जो एनर्जी है अभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए नहीं है ये इसके पास, ठीक। तो इस ये जो है सो इसको एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, एनर्जी सप्लाई करके इसको एक्टिवेट करते हैं। जब ये इस लेवल में आता है, जब आर यहाँ पे आएगा, इसकी एनर्जी जब इतनी आ जाएगी, अब ये जो है सो काबिल है कि इसमें कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, ठीक। तो मान तो यहाँ ये क्या है, यहाँ से यहाँ ये जो टर्म होगा, यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, इसी को कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, इसी को कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अब आता है अब वही रिएक्शन में, अब इसी रिएक्शन में मान लीजिए कोई हम कैटलिस्ट डाल दिए, तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। कैसे फास्ट करता है? जो जो हमको अभी एक्टिवेशन इतना चाहिए था, इतना एनर्जी चाहिए था एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, कैटलिस्ट जब आएगा तो इसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ये, ठीक है ना। अब हमको अब रिएक्टेंट को इतना ही जो है सो चाहिए, ठीक है। शादी विवाह में अगुआ आ जाता है तो जो काम नहीं भी बनने वाला होता है वो फास्ट तरीके से तुरंत जो है सो हो जाता है, जल्दी हो जाता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है ये। क्या कम करके? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, एक्टिवेशन एनर्जी को अब इतना ही एक्टिवेशन एनर्जी ले करके हमको रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, कम से ज़्यादा से क्या करता है, कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा जो है सो एक्टिवेशन एनर्जी होगा, गिब्स एनर्जी नहीं होगा। कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो गिब्स एनर्जी उसका निगेटिव होगा ही, ठीक। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन में कितना हीट निकलना है या कितना हीट एब्जॉर्ब होना है, उससे उस पर उसका कैटलिस्ट पे कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिस्टम, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका कुछ वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का मान, तो के का मान में जो है कैटलिस्ट डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स लीड्स टू चेंज इन, अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर किसमें परिवर्तन होता है, ठीक। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन है, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो कह रहा है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज करेंगे तो किसमें चेंज जाएगा। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के एंथैल्पी यानी हीट जो रिलीज हो रहा है उस पर परिवर्तन होगा। कोलिजन आवृत्ति है ना, कोलिजन आवृत्ति मतलब रिएक्टेंट का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो टक्कर है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, है ना, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। या एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज आएगा कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू में चेंज आएगा, ठीक। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो देखे जरा, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से अभिक्रिया में जो एनर्जी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होना है यानी एंथैल्पी में किसी तरह का कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अच्छा, एक के बाद सी को देखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी में भी किसी तरह का चेंजेज नहीं आएगा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को अभी हमने देखा था चेंज कौन करेगा, कैटलिस्ट चेंज करेगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से एक्टिवेशन एनर्जी जो उसको एक्टिवेशन एनर्जी लगना है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए वो लगेगा ही, है ना, जब तक कैटलिस्ट नहीं डालेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन घटाने या बढ़ाने से बस डायरेक्शन
जो रिएक्शन का जो डायरेक्शन है फॉरवर्ड या बैकवर्ड उस पर जो है सो चेंज आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर एक और एक आंसर होगा वो बी होगा, टक्कर आवृत्ति। क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन एक बढ़ाएंगे रिएक्टेंट का, तो 10 मॉलिक्यूल्स अगर हम 20 मॉलिक्यूल कर दें तो क्या हो जाएगा, टकराने का जो फ्रीक्वेंसी होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक ही एक छोटा सा घर है उसी में जो है 10 मॉलिक्यूल था, अब उसमें 20 मॉलिक्यूल डाल दिए उतना ही बड़ा घर में, तो क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टक्कर जो है सो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चेंजेज किस में आएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी में चेंजेज आएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इज, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया उष्मा का ह्वास या ग्रहण करता है तो उसमें क्या आएगा, ठीक है। अब कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई रिएक्शन है उसमें कैटलिस्ट डाल दिए, तो कह रहा है कि अभिक्रिया में जो हीट निकलना है या एब्जॉर्ब होना है तो उसमें क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, अनचेंज रहेगा, या घट भी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो कैटलिस्ट, अभी अभी हमने बात किया कि कैटलिस्ट जो है सो रिएक्शन के एंथैल्पी में किसी तरह का चेंजेज नहीं लाता है, वो बस एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज लाता है और रिएक्शन को फास्ट करता है, ठीक। तो अभिक्रिया के ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसका ऑप्शन सीधा हो जाएगा सी, अनचेंज्ड होता है। थ्रेशहोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, थ्रेशहोल्ड ऊर्जा बराबर होता है किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के, एक्टिवेशन एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के, अणुओं की ऊर्जा। अब कोई रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में जा रहा है तो कह रहा है इस थ्रेशहोल्ड एनर्जी, रिएक्शन का थ्रेशहोल्ड एनर्जी है ना, उसके एक्टिवेशन एनर्जी से उसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के एनर्जी का माइनस होता है या उसमें प्लस होता है या कुछ नहीं होता है, ठीक। तो ज़रा थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बारे में समझते हैं, क्या है थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक। अब मान लीजिए रिएक्टेंट इसकी एनर्जी ए आर है, ठीक, इसने एक्टिवेशन एनर्जी ले करके अब जो है सो किस में आ गया, ये प्रोडक्ट में आ गया, ठीक, प्रोडक्ट में आ गया, ठीक। यहाँ से यहाँ इसकी एनर्जी इतनी थी है ना, इसको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, कितनी ज़रूरत पड़ी एक्टिवेशन एनर्जी की, इतनी ज़रूरत पड़ी, तब जा करके इसकी अब इसकी एनर्जी यहाँ पे आ गई, अब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो सकता है प्रोडक्ट में, हो गया, ठीक। थ्रेशहोल्ड एनर्जी यहाँ पे एक टर्म आता है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या है, ठीक। तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी जो होता है, यहाँ पे जो थी रिएक्टेंट का एनर्जी इतनी थी एनर्जी इस रिएक्टेंट आर की है ना, और उसमें ऐड किया हमने एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी है रिएक्टेंट का वही कहलाएगा थ्रेशहोल्ड एनर्जी, क्या कहलाएगा, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी कितना है, रिएक्टेंट का अपना एनर्जी, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट का अपना एनर्जी, ठीक है, और प्लस उसमें ऐड होगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दोनों जब ऐड होगा तब मिल करके बनता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी प्राप्त करने के बाद जो है सो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसमें जो है सो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। एंडोथर्मिक रिएक्शन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल बी, किसी ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए कम से कम सक्रियण ऊर्जा किसके बराबर होगा, जीरो से कम होगा, डेल्टा एच यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, उससे कम होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक जो हम ग्राफ होता है उसको प्लॉट करते हैं, ठीक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट का एनर्जी मान लीजिए एंथैल्पी ये है, अब ये इतना एक्टिवेशन एनर्जी ले करके ये प्रोडक्ट में ये आया, ठीक, ये प्रोडक्ट में ऊपर रहेगा ये एंडोथर्मिक के केस में, एक्सोथर्मिक के केस में ये जो है सो रिएक्टेंट से नीचे रहता है, ठीक। अच्छा, इस समय जो इसकी मान लीजिए एनर्जी एंथैल्पी है मान लीजिए, ठीक, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मान लीजिए एच आर मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये हमको एंथैल्पी से मतलब है इसका, उसी तरह इसका ये हो जाएगा एच पी, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ जो है सो ये जो एनर्जी है ये क्या कहलाएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ई ए। जरा इस रिएक्शन के एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम डेल्टा एच निकालते हैं, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एच पी माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एच आर, ये होता है किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, सारे प्रोडक्ट के एंथैल्पी का योग माइनस सारे रिएक्टेंट के एंथैल्पी का योग, ठीक होता है, ठीक है। जरा इसको देखें, जरा हम
तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, ठीक है ना। तो कितना आएगा ये जो आएगा, ये ज़्यादा देखिए, अब प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज़्यादा है, रिएक्टेंट का एंथैल्पी कम है, ज़्यादा माइनस कम मतलब इसका जो वैल्यू आता है प्लस में आएगा। हम जानते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होता है, एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच निगेटिव होता है। अब हमको देखना है एक्टिवेशन एनर्जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच से कम है कि ज़्यादा है। तो हमारा डेल्टा एच कौन सा हुआ, डेल्टा एच ये वाला हुआ, एच पी माइनस एच आर, एच पी माइनस एच आर मतलब ये जो है, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ, ये आपका डेल्टा एच हुआ हमारा। अब कंपेयर कर लीजिए, हमको पूछ रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, है ना, डेल्टा एच से ज़्यादा होगा या डेल्टा एच से कम होगा। तो साफ साफ दिख रहा है डेल्टा एच से एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर देन डेल्टा एच। तो ऑप्शन हो गया मेरा डी।